की विरासत और संस्कृति को पुनर्जीवित एवं पुनः प्रचलित करना है। मास्टर तनुज समद्दार, उम्र 16 वर्ष, श्रेणी कला एवं संस्कृति। My aim in life is to become a designer. I want to pursue my higher studies in the National Institute of Design. So through my painting, I've tried to create awareness regarding environmental issues and social and communal harmonies. कुमारी वनीश कीशम, उम्र 15 वर्ष, श्रेणी कला एवं संस्कृति। International level da akam kala sangha amasung art of ina amasung national level da saksam 2018 da first azar kre amasung bal sri award 2000 kre amasung nifana sanba pendikam jhelisu first azar kre master vyum ahuja umr 10 varsh shreni kala evam sanskriti to lockdown ke time pe maine गीता के पूरा दो बार पढ़ा है और शिव तांडव स्तोत्रम को मैंने उसमें 18 पैराग्राफ्स होते हैं जिनमें से मैंने 14 तक कर लिया। हिम्मत, साहस और बहादुरी का परिचय देने वाले पराक्रमी बच्चों को वीरता की श्रेणी में पुरस्कृत किया जाता है। ज्योति कुमारी, उम्र 16 वर्ष, श्रेणी वीरता। मैंने लॉकडाउन के दौरान हरियाणा के सिकंदरपुर से बिहार के दरभंगा तक का 1200 किलोमीटर का सफर तय किया। मास्टर कामेश्वर जगन्नाथ वाघमारे, उम्र 14 वर्ष, श्रेणी वीरता। मैंने मनार नदी में दो लड़कों को डूबने से बचाया। वे वहां तैराकी के लिए गए थे लेकिन पानी की गहराई का अनुमान नहीं लगा सके। कुंवर दिव्यांश सिंह, उम्र 15 वर्ष, श्रेणी वीरता। मुझे ये अवार्ड ब्रेवरी के लिए मिला है। मैंने अपनी बहन को एक गुस्सैल सांड के अटैक से बताया था। बच्चों के कल्पनाशील मस्तिष्क और उर्वर विचारों से उपजी नवीन परिकल्पनाएं नवाचार बनकर प्रस्तुत होती हैं। ऐसे नए वैज्ञानिक नवाचार की श्रेणी में सम्मानित किए जाते हैं। मास्टर अर्चित राहुल पाटिल, उम्र 14 वर्ष, श्रेणी नवाचार। मेरे किए गए खोज यानी पोस्टमार्टम कप में एक साधारण उपकरण का उपयोग करके प्रसव के बाद खून की हानि का सटीक और वास्तविक समय मापा जा सकता है। मास्टर आयुष रंजन, उम्र 15 वर्ष, श्रेणी नवाचार। मैंने डीजी स्मार्ट बिन यानी एक कचरा बिलिंग प्लेटफॉर्म का निर्माण किया जो कूड़ा फेंकने के अनुसार बिल देता है। मास्टर चिराग भंसाली, उम्र 16 वर्ष, श्रेणी नवाचार। अभी मैं एक ऐप पर काम कर रहा हूँ जिससे हम एक फोटो से आंखों में अगर कोई भी डिजीज है तो उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इससे इंसान टाइमली हॉस्पिटल जा सकता है एंड अपना इलाज करवा सकता है। मास्टर हरमनजोत सिंह, उम्र 13 वर्ष, श्रेणी नवाचार। मेरे शैक्षणिक क्षेत्र में सबसे बड़ी उपलब्धियां ओलंपियाड्स में रही है। मैंने और भी कई कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया जिसमें एक सबसे मेन कॉम्पिटिशन था सिलिकॉन वैली कोडिंग चैलेंज, जहां मैंने एक रक्षा वुमेन सेफ्टी ऐप बनाया वुमेन की सेफ्टी के लिए। मास्टर हिमेश चदलवाड़ा, उम्र 13 वर्ष, श्रेणी नवाचार। मामा मकी अल्जाइमर्स అనే ఒక డిసీజ్ వచ్చింది అంటే ఆమా అర్ధరాత్రి పొద్దుపొద్దున లేచి అంటే మా అమ్మమ్మని చూసుకుంటున్న ఇంట్లో ఉన్న ఆమె కూడా ఆమెకు తెలియలేదు. సో బేసిక్ గా నా ఒక రిస్ట్ బ్యాండ్ లాగా, ఇంకా మొబైల్ యాప్ అనేది అదే కేర్ గివర్ అయినా లేకపోతే ఎవరు టేక్ కేర్ ఇస్తారో వాళ్ళ దగ్గర ఉంటుంది. కుమారి నామ్యా జోషి, ఉమ్ర 13 వర్ష, శ్రేణి నవాచార్. जैसे एक सिंपल मशीन सिर्फ एक काम कर सकती है, पर अगर हम उन सिंपल मशीन्स को कंबाइन करके एक बड़ी मशीन बना सकते हैं, वो माइनक्राफ्ट में बना रही होगी उसका मॉडल, तो उससे लोगों को बहुत सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं. जैसे सबल बर्निंग, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम होती है पंजाब एरियाज में, तो उससे हम मैन्योर बना सकते हैं, उसको दोबारा यूज कर सकते हैं. मास्टर राकेश कृष्ण, उम्र 15 वर्ष, श्रेणी नवाचार। Since the age of 6, I've been in the field of innovation. I have done many other prototypes related to farming machines. So the first prototype was named as xylographer.
So the specialty of xenografer is that it's much, much better than the present existing farming system. मास्टर श्रीनब मौजेश अग्रवाल, उम्र 16 वर्ष, श्रेणी नवाचार। जो कंबर मोड़ी का झाड़ है, जो वीड है, इसके जो प्लांट का अगर हम रस निकालेंगे एक सिंपल से कोई भी कटोरे में और उसको पानी से डाइल्यूट करके, इसको जब हम भिंडी के झाड़ पे स्प्रे करते हैं तो उसकी उसमें येलो मोज़ेक वायरस के खिलाफ एक इम्यूनिटी तैयार हो जाती है और यील्ड उल्टा बढ़ती है कम होने की जगह। मास्टर वीर कश्यप, उम्र 10 वर्ष, श्रेणी नवाचार। ನಾನು ಬೋರ್ಡ್ ಗೇಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಕಳಿಸಿದ್ವಿ, ಆಮೇಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಫುಲ್ ವೈರಲ್ ಆಯಿತು, ತುಂಬ ಲೈಕ್ಸು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಆದರು. ಸೊ ನಾವು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರು, ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಈ ಬೋರ್ಡ್ ಗೇಮ್ನ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋಣ. ವಿದ್ಯಾ ಕೆ ಪ್ರತಿ ಅದಮ್ಯ ಜಿಜ್ಞಾಸ और ज्ञान के निरंतर विस्तार की सफल चेष्टा के लिए बच्चों को ज्ञानार्जन की श्रेणी में सम्मानित किया जाता है। मास्टर आनंद, उम्र 16 वर्ष, श्रेणी ज्ञानार्जन। When I was in class 7th, my maths teacher gave me a problem to work over. That problem is called Goldbach conjecture and it's an open problem in mathematics. So I worked over this problem for about 2 weeks and I reached upon a statement which was again an open problem. That day I realized that I have some special interest in mathematics, especially in number theory. मास्टर अनुज जैन, उम्र 17 वर्ष, श्रेणी ज्ञानार्जन। मैंने ओलंपियाड्स में पार्टिसिपेट करना शुरू किया और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स जैसे ANCQ और IYMC कॉन्टेस्ट में मैंने पार्टिसिपेट करते हुए अपने स्कूल को रिप्रेजेंट किया। वहाँ अवार्ड्स जीत के मुझे मोटिवेशन मिला कि मैं इंटरनेशनली अपने स्कूल और कंट्री को रिप्रेजेंट करूँ। मास्टर अन्वेश शुभम प्रधान, उम्र 14 वर्ष, श्रेणी ज्ञानार्जन। मुझे कक्षा 1 के बाद से ही गणित और विज्ञान के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य स्तर के संगठनों के द्वारा 200 से अधिक प्रमाण पत्र, पुरस्कार और छात्रवृत्ति मिले हैं। मास्टर मोहम्मद शादाब, उम्र 17 वर्ष, श्रेणी ज्ञानार्जन। लास्ट ईयर मुझे अमेरिकी गवर्नमेंट ने स्कॉलरशिप दी जिसके तहत मैं अमेरिका गया। अपने देश की कल्चर और वैल्यूज़ को बढ़ावा देने के लिए मैंने 50 से ज़्यादा प्रेजेंटेशंस दी और जिसके तहत अमेरिकी गवर्नमेंट ने खुश होकर मुझे इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफ द मंथ के खिताब से नवाजा। मास्टर सोनित सिसोलेकर, उम्र 13 वर्ष, श्रेणी ज्ञानार्जन। एक रिसर्च है मार्स के सॉइल के रिलेटेड और दूसरा है पूना में जो दावा ट्यूब्स है।